Well, hello friends, today we are going to start our new concept, that is integral equation. तो especially for MSc mathematics के लिए मैं पूरे जो integral equation का जो subject है इसको complete करूँगा. तो initial आज ही first lecture है of integral equation का, तो जल्दी से इसको start करते हैं दोस्तों. तो integral equation actually इसको हम दो part में divide करेंगे further. Firstly, we will see what is integral equation actually. Integral equation होता क्या है. तो integral equation को फर्दर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हमारे कंप्लीट सिलेबस के लिए. पहली होगी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन और सेकेंडली होगी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन. जो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होगी बच्चों, वो भी फर्दर आगे दो पार्ट में टूट जाएगी, यानी कि इसके भी दो काइंड बन जाएंगे. इसको बोलेंगे फर्स्ट काइंड और दूसरे को बोलेंगे सेकेंड काइंड. इसी तरीके से जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होगी वो भी फर्स्ट काइंड की होगी और सेकेंड काइंड की होगी. अभी फर्स्ट काइंड कब होगा, सेकेंड कब होगा, और फ्रेडहोम का भी और वोल्टेरा का भी, इसको हम फर्दर रीड करेंगे. उससे पहले सीखते हैं कि एक्चुअल में इंटीग्रल इक्वेशन है क्या, इसको लिखते कैसे हैं, और ये फ्रेडहोम कब बनेगी और वोल्टेरा कब बन जाएगी. तो देखो बच्चों, जो इंटीग्रल इक्वेशन है, इस इक्वेशन में फर्स्टली एक इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रल इक्वेशन वही होगी जिसमें कम से कम इंटीग्रेशन का साइन तो जरूर हो. तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या हो जाएगी. An integral equation is one in which a function to be determined appear under the integral sign. ठीक है, और उसकी जो जर्नल फॉर्म है इस इंटीग्रल इक्वेशन की वो ऐसी होती है दोस्तों, u of x is equal to f of x plus ax to bx kxt ut dt. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये देखिए, एक ux, एक्चुअली पूरी जो इंटीग्रेशन सोल्यूशन हम करेंगे ना उसके अंदर ये ux ही आपको फाइंड आउट करना है. देखो, u दो पार्ट पे अपीयर हुआ है, एक यहाँ पे अपीयर हुआ है और एक यहाँ पे अपीयर हुआ है. ये सेम ही यू है, जो भी आपका फंक्शन गिवन होगा आपको यू दैट इज द सेम, बट यू हैव टू कैलकुलेट दैट यू ऑफ एक्स एट द एंड व्हेन यू विल सॉल्व आउट दिस इंटीग्रल इक्वेशन. ओके, द वन एफ ऑफ एक्स इट इज गिवन टू यू, सम इन सम बुक्स इट्स अ लिमिट इज गिवन एज अल्फा ऑफ एक्स एंड अप टू बीटा ऑफ एक्स, बट कुछ बुक्स के अंदर इसको ए टू एक्स टू बी एक्स भी लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकता है, यहाँ पे वेरिएबल भी फॉर्म में भी हो सकता है. फिर आता है के एक्स टी. के एक्स टी को बच्चों इसको ना इस किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन का कर्नल भी बोला जाता है, यानी कि के एक्स टी इज व्हाट, के एक्स टी इज कर्नल. और के एक्स टी किससे मिलके बना है, एक्स और टी ये दो वेरिएबल का कोई फंक्शन होगा, और इसको बोलते हैं के एक्स टी इज कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन. जो भी इंटीग्रल इक्वेशन होगी दोस्तों उसका कर्नल होगा ये के एक्स टी. अब किस फॉर्म में इस टाइप की इक्वेशंस को जरा हम देख लेते हैं. देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल आपको कोई इक्वेशन दे दी गई ऐसे, मान लीजिए यू ऑफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस एंड इन द इंटीग्रल साइन वन टू एक्स एक्स प्लस टी एंड यू टी डी टी. तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन एक्चुअली. तो कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो सकती है, यानी कि उसके अंदर यू एक्स होना चाहिए, उसके अंदर एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, के एक्स टी की फॉर्म में यहाँ पे एक्स और टी का फंक्शन होना चाहिए. देखिए एक्स प्लस टी दिया हुआ है, कोई लिमिट होनी चाहिए आपके पास यू टी डी टी. ऐसी फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं. इसका एक और एग्जाम्पल हम सेकेंड एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि इंटीग्रल इक्वेशन कैसी हो सकती है. मान लो मैंने लिखा यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई थ्री एंड देन इंटीग्रल साइन, अरे इस बार इंटीग्रेशन है मान लीजिए जीरो से टू तक. ओके, और यहाँ पे कोई फंक्शन दे दिया मान लो आपको कॉस ऑफ एक्स प्लस टी. ओके, एंड देन यू टी एंड देन डी टी. तो एस ये वाला जो फंक्शन मैंने लिखा है ये भी आपका एक इंटीग्रल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इंटीग्रल इक्वेशन कैसी ऐसी इस फॉर्म में होनी चाहिए. देखो आपको रिकॉग्नाइज करना है इसको कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो इंटीग्रेशन इक्वेशन बन रही है नहीं बन रही. तो यू ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, के एक्स टी है, यू टी डी टी. हाँ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम फर्दर देखेंगे. अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं दोस्तों. एक मैंने बोला इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, और दूसरी को क्या नाम दिया हमने, फ्रेडहोम. तो पहले हमारे पास आई कैसी इक्वेशन, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, इसको बोलते हैं फ्रेडहोम, एच ओ एल एम, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म आई ई लिख देता हूँ. और दूसरी बन जाती है दोस्तों वोल्टेरा,
PULTERRA इंटीग्रल इक्वेशन। तो फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन यानी कि इसको लिख देते हैं हम FIE। फर्दर हम इस शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और इसको बोल देंगे VIE एंड E, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन एंड फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन। इसको दो पार्ट में हमने तोड़ दिया गया। अब कब ये वोल्टेरा होगी और कब ये फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगी दोस्तों? देखिए दोस्तों, जब हम सबसे पहले मैं बात करूँगा फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन की, तो यानी कि हम बात कर लेते हैं किसकी, टाइप फर्स्ट की। और टाइप फर्स्ट क्या है मेरे पास, फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन। तो फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन कैसी होगी, फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन, और इसको हम क्या लिख रहे हैं, एफ आई ई, फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगी दोस्तों? देखो, जो फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन होगी उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट द वन इज अ फंक्शन दैट इज फाई ऑफ एक्स एंड हैविंग यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस देर विल बी एग्जिस्ट अ कॉन्स्टेंट दैट इज लेमडा एंड द लिमिट फ्रॉम ए टू बी द बोथ आर कॉन्स्टेंट नाउ एंड देन के देन एक्स देन टी के एक्स टी एंड देन यू टी एंड डी टी। देखिए ऑलमोस्ट सेम ही वो इंटीग्रल इक्वेशन है यहाँ पे, बट कुछ चेंज हो गया। एक तो यहाँ पे फाई ऑफ एक्स लिखा मैंने, ओके ये ऐसा ये दिखने में है यानी कि दो फंक्शंस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि यू एक्स के अलावा भी कोई चीज़ उसके साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। ओके दैट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चंस, देन यू विल बी मच मोर क्लियर। बट यहाँ सिर्फ इतना समझिए कि फाई ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा। मेन बात यहाँ पे आई है ए टू बी, यानी कि लिमिट जो है ना वो कोई कॉन्स्टेंट नंबर होंगे, ओके यहाँ वेरिएबल नहीं होंगे। जब कॉन्स्टेंट नंबर होंगे तो वो फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, बट जब यहाँ पे कोई वेरिएबल आ जाएगा, दोनों में से एक भी अगर वेरिएबल हो जाता है तो वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको, नेक्स्ट जो हमारा टाइप होगा उसको। बट फिलहाल हमारे पास क्या है, फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन है, तो वो इस फॉर्म की होगी। अब यहाँ पे लैम्डा का लैम्डा यूज़ हुआ है, तो लैम्डा दोस्तों लैम्डा क्या है, यहाँ पे लैम्डा को बोलते हैं पेरीमीटर, लैम्डा इज नोन एज पेरीमीटर। और के एक्स टी को क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के एक्स टी, यस के एक्स टी इज व्हाट, के एक्स टी इज कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। एंड लैम्डा लैम्डा अपीयर व्हेन व्हेन द देयर इज अ टू टाइप, वन इज अ फ्रेड होम वन इज अ वोल्टेरा। तो इन द फॉर्म ऑफ फ्रेड होम ऑन वोल्टेरा इन द बोथ ऑफ केसेस द लैम्डा इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। ओके क्लियर गाइस, तो दिस इज पेरीमीटर, तो दिस इज दिस इक्वेशन इज नोन एज व्हाट इज अ फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन। अब सिमिलरली इसके बाद आती है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, उसको भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इनके अच्छे से एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाएं। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन जिसको हम लिखते हैं वी आई एंड ई, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, इसको बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे दोस्तों आपने फ्रेड होम को लिखा है, फाई ऑफ एक्स एंड देन यू ऑफ एक्स एंड देन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा। एंड नाउ यहाँ पे फोकस कीजिए, लिमिट क्या आएगी, लिमिट आएगी बच्चों इसकी, सॉरी जीरो नहीं, ए कोई कांस्टेंट होगा लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे कोई वेरिएबल होगा दैट इज एक्स, ओके के एक्स एंड टी एंड यू टी एंड डी टी। तो इट मीन्स ये बात आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि फ्रेड होम और वोल्टेरा में डिफरेंस क्या है, फ्रेड होम के अंदर लिमिट क्या होती है कॉन्स्टेंट और वोल्टेरा के अंदर लिमिट क्या होती है ए टू एक्स, अपर लिमिट ऑलवेज विल बी अ वेरिएबल। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस, बाकी इक्वेशन बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं है दोनों इक्वेशंस के अंदर। अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ एंड देन यू विल कम टू नो दैट विच इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग, लाइक द फर्स्ट थिंग फॉर एग्जांपल फाई ऑफ एक्स, सॉरी नॉट फाई ऑफ एक्स, आई विल टेक लॉग ऑफ एक्स into u of x is equal to 1 plus x square and then plus lambda
and the limit is 0 to 1, then x plus t divided by 2 and ut and dt. अभी हम ये नहीं सीख रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो अभी अभी दूर है कहानी. फिलहाल हम ये सीख रहे हैं दोस्तों कि ये इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन है, क्या ये वोल्टेरा है, क्या ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है. तो फिलहाल दोनों देखो, फ्रेडहोम में मैंने आपको बताया, फ्रेडहोम का मतलब यहाँ लिमिट कॉन्स्टेंट, और वोल्टेरा मतलब यहाँ अपर लिमिट वेरिएबल. बस एक बेसिक डिफरेंस है. तो इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है दोस्तों, ये इक्वेशन है वोल्टेरा फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन. क्यों? क्योंकि लिमिट देखिए क्या है दोस्तों, इंटीग्रल इक्वेशन एफ आई ई फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, क्योंकि फ्रेडहोम के अंदर क्या होना चाहिए, लिमिट मस्ट बी कॉन्स्टेंट. यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स है, यहाँ लैम्डा होना चाहिए, यहाँ के ऑफ एक्स टी होना चाहिए, यू टी होना चाहिए, डी टी जी होना चाहिए, यहाँ पे कोई फाई ऑफ एक्स होना चाहिए, और यहाँ पे आपका यू एक्स होना चाहिए. तो बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली ये क्या होगी, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगी. एक और एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ दोस्तों. दिस टाइम मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है कुछ ऐसी, x इंटू यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस लैम्डा टू टू एक्स एंड एक्स प्लस सेम ही ले लेता हूँ, चलो मैं फंक्शन एक्स प्लस टी बाय टू, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नथिंग एल्स. ओके, इसका और मोटिव नहीं है हमें, क्योंकि अभी इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे इक्वेशंस को, सिर्फ हम इसको ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि विच इज़ वोल्टेरा एंड विच इज़ फ्रेडहोम. तो ये बच्चों लिमिट क्या आ गई, टू टू एक्स, तो सिंपली क्या होगी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन. तो अभी फिलहाल आपको आई होप सो कि ये चीज़ जरूर क्लियर हो गई होगी कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ वोल्टेरा एंड वट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन. ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि वोल्टेरा भी दो टाइप की होती है और फ्रेडहोम भी दो टाइप की होती है ना. तो एक थी मेरे पास वोल्टेरा, पहले मैं फ्रेडहोम लिखता हूँ, एक थी मेरे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, और एक थी मेरे पास क्या, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन. फ्रेडहोम में आपको समझ में आ गया कि लिमिट क्या होनी चाहिए, इंटीग्रेशन की लिमिट कॉन्स्टेंट ए टू बी. ओके, और वोल्टेरा में आपकी जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, लिमिट आपकी ए टू एक्स होनी चाहिए. ये दो बेसिक बात थी. ओके, अब मैंने आपको कहा कि यहाँ पे दो टाइप बनेंगे, दो टाइप, और दोनों की इक्वेशन बिल्कुल सेम एक जैसी ही है, कुछ खास फर्क नहीं है. तो इसमें जब इसको टू काइंड का बनाना है, तो आपका पहला केस यहाँ पर बनता है कि क्या हो कि अगर जो आपकी इक्वेशन है उसके अंदर जो फाई एक्स है दोस्तों, यहाँ पे बात बनेगी सिर्फ और सिर्फ फाई एक्स पे, कि ये जो फाई एक्स था उस फाई एक्स को अगर मैं कर दूं जीरो, ओके, उस फाई एक्स को जीरो कर दूं तो क्या होगा. देखो, अगर मैं फाई एक्स को जीरो करता हूं तो आपकी एक्चुअल जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसको, वो क्या थी दोस्तों, वो स्टैंडर्ड फॉर्म थी आपकी ये वाली, दिस वन. मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसमें फाई एक्स को क्या कर रहा हूँ, जीरो कर रहा हूँ. जैसे ही फाई एक्स जीरो होगा तो ये पूरे का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, इट विल बिकम जीरो. ओके, तो यानी कि एफ एक्स ये इधर वाला पार्ट रह जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो. तो यहाँ पे जब मैंने इस फाई एक्स को जीरो किया तो आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी बन गई, दैट एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी एंड यू टी एंड डी टी इज इक्वल टू जीरो. ये आपकी पहली फॉर्म बनी, इसी को मैं बोल रहा हूँ क्या, देखो लिमिट की कहानी आपको समझ में आ गई है, और इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट काइंड. दिस इज व्हाट, दिस इज माय फर्स्ट काइंड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, फर्स्ट काइंड की फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन बन गई दोस्तों. ओके,
सिमिलरली सेकेंड पार्ट में जब मैं क्या करता हूँ, इफ़ जब मैं फाई एक्स को जीरो नहीं करता हूँ, इस बार मैं फाई एक्स को रख देता हूँ वन, और जैसे मैंने फाई एक्स को वन रखा तो यहाँ पे फाई एक्स इंटू यू ऑफ एक्स था ना, तो ये बन जाएगा सिंपली यू ऑफ एक्स, क्योंकि फाई एक्स हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, तो इज इक्वल टू वट, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी एंड देन के ऑफ एक्स टी एंड यू टी एंड डी टी, दैट्स ऑल। तो ये जो इक्वेशन बन गई दोस्तों, ये है आपकी क्या, सेकेंड काइंड की फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। सिमिलरली वही काम यहाँ पे भी होने वाला है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में भी। देखो वोल्टेरा और फ्रेडहोम में समझ फर्क आपको समझ में आ गया, लिमिट का फर्क पड़ने वाला, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो इसको भी फर्स्ट और सेकेंड काइंड का बना देंगे, जैसे इसको बनाया फाई एक्स इज इक्वल टू जीरो तो फर्स्ट काइंड, फाई एक्स इज इक्वल टू वन तो सेकेंड काइंड। तो फाई एक्स इज इक्वल टू जीरो होने से जो फर्क पड़ा उसको समझ लीजिए कि जो फाई एक्स इंटू यू एक्स में, तो इधर वाला पार्ट जीरो हो गया यानी कि इक्वेशन इक्वल टू जीरो बन जाएगी और ये इक्वेशन इक्वल टू यू एक्स रहेगी। जब इक्वेशन इक्वल टू यू एक्स आए तो समझो सेकेंड काइंड इक्वेशन है, जब कोई इक्वेशन इक्वल टू जीरो हो तो समझो कि वो फर्स्ट काइंड की इक्वेशन है। फिर उस इक्वेशन को पहचानो कि लिमिट क्या है, लिमिट में आपको समझ आएगा कि ये फ्रेड होम है या वोल्टेरा है। फ्रेड होम होगी तो कॉन्स्टेंट होगा, वोल्टेरा होगी तो यहाँ पे ए टू एक्स होगा। ओके, तो फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड और वोल्टेरा एंड फ्रेड होम, इन सब में आपको डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। तो जल्दी से मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ एंड देन यू विल जस्ट फाइंड आउट द विच काइंड ऑफ अ दिस फंक्शन इज, ये जो इंटीग्रल इक्वेशन ये किस टाइप की एक इंटीग्रल इक्वेशन होगी। तो हेयर यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 एंड log x माइनस टी एंड यू टी एंड डी टी। आई होप सो के नाउ एवरीबडी कैन ईजिली कैन से द विच काइंड ऑफ इक्वेशन इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू दैट इफ द यू एक्स अपीयर हेयर इट मीन्स दिस इक्वेशन इज ऑफ वट, सेकेंड काइंड। दिस इज ऑफ वट, दिस इज ऑफ सेकेंड काइंड इक्वेशन। एंड नाउ जस्ट गोज टू लिमिट, लिमिट इज वट, द कॉन्स्टेंट, इट मीन्स इट इज अ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, सो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, हाँ अगर लिमिट, बाकी सब कुछ यही रहता, यहाँ पे जो टू और लिमिट हो जाती मेरी क्या, जीरो टू एक्स, तो मेरे पास ये क्या बन जाती, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। बट रहती क्या, रहती फिर भी ये सेकेंड काइंड की। फर्स्ट काइंड की बनाने के लिए क्या करना पड़ता, यहाँ पे आता जीरो इज इक्वल टू थ्री ऑफ एक्स एंड देन प्लस टू एंड इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एक्स, और बाकी सब कुछ ऐसे ही लिख देते हैं, जीरो टू एक्स माइनस टी यू टी एंड डी टी। अब देखिए, अब दोस्तों जैसे इक्वल टू जीरो आ गया तो ये बन गई फर्स्ट काइंड, और ये फर्स्ट काइंड है और लिमिट में x अपीयर है, तो ऑब्वियस सी बात क्या, ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। ओके, तो वोल्टेरा और फ्रेडहोम और फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड, आई होप सो कि ये जो कंसेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो दिस वाज टुडेज लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि इंटीग्रल इक्वेशन एक्चुअली होती क्या है, और फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या है। फ्रेड होम के अंदर लिमिट कांस्टेंट रहती है, वोल्टेरा के अंदर लिमिट का जो अपर लिमिट है वो कांस्टेंट रहती है, सॉरी वो वेरिएबल है, नीचे वाला कांस्टेंट है, यानी कि ए टू एक्स, सिंपल याद रखो, ए टू बी फ्रेड होम, ए टू एक्स वोल्टेरा, फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड, फाइव एक्स जीरो। तो यहाँ मैं आपको थोड़ी सी इसकी नोटेशन जल्दी से रिकैप ले लेते हैं कि यहाँ पे जो लिमिट की हम बात करेंगे तो लिमिट क्या रहने की दोस्तों, ए टू बी, और जब यहाँ हम लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट क्या रहेगी दोस्तों, ए टू एक्स। ओके, फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड में जो आपका फाई ऑफ एक्स होता है वो क्या हो जाता है, जीरो, और जो सेकंड काइंड बनाना है तो जो फाई ऑफ एक्स है उसको क्या रख देते हैं, वन। ये सारी कहानी थी इंटीग्रल इक्वेशन की, तो आपको फ्रेम समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब बात करेंगे सोल्यूशन का, कि इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे होता है, और वो सोल्यूशन भी डिपेंड करेगा कि फ्रेड होम है या वोल्टेरा है, तो किस टाइप की क्वेश्चन है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। बट उससे पहले एक चीज़ हमें और सीखनी है, वो होगी बच्चों इसकी क्लासिफिकेशन, यानी कि अब तक हमने सीखा ये दो फॉर्म तो सीखी, कुछ और टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन भी होती हैं जो होती हैं लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।